मोटोरोला की तरफ से न्यू 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, वो भी 21,000 रुपये में। तो ये सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हैं या न्यू फ़ोन लेने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मोटो की इस 5G फ़ोन के कुछ ऐसे कमी के बारे में बताऊँगा जो आपको लेने से पहले जानना चाहिए, जो कि आपको बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं बताते हैं। वो सिर्फ आपको अच्छाइयों के बारे में बता देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कोई फ़ोन खरीद रहे हैं तो उसके अच्छाइयों के साथ साथ उसके कमी के बारे में भी जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में नहीं बताऊंगा, वो तो आप देख ही चुके होंगे। वैसे कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता, एट द एंड आपको आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए या आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि आपको वाकई में 5G फ़ोन की ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो ठीक है, और अगर 5G फ़ोन ज़रूरत नहीं है तो ये आपके लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5G के लिए आपको 4,000 से 5,000 एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि 5G फ़ोन आने के बाद 4G फ़ोन चलना बंद हो जाएगा, ऐसा फ़िलहाल नहीं होने वाला है। और वैसे भी 5G इंडिया में 2021 में ही आएगा, वो भी पूरे देश में आते आते पूरा साल लग जाएगा। तो ऐसे में 5G फ़ोन की ज़रूरत ही क्या है, पहले 4G तो सही से चल जाए, उसके बाद ही 5G चलाएंगे। दूसरा जो कमी मुझे इस फ़ोन में दिखा वो है इसका डिस्प्ले। इसमें आपको फुल HD प्लस का IPS डिस्प्ले है और इसमें 60Hz का डिस्प्ले दिया गया है, मतलब 21,000 में कंपनी आपको डिस्प्ले ऐसा प्रोवाइड कर रही है। तो आपको डिस्प्ले में किसी भी तरह का प्रोटेक्शन भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो 21,000 के हिसाब से डिस्प्ले में कमियां है। और एक कमी लगा मुझे जो कि उतना बड़ा कमी तो नहीं है, फिर भी अगर इस प्राइस रेंज में और अदर कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे तो कमी है, वो है इसका कैमरा। जी हाँ, आपको इसमें ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। प्राइमरी कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। वैसे तो कैमरा नंबर के हिसाब से देखा नहीं जाता, मेनली इसका ऑप्टिमाइजेशन किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है, बट कंपनी इस बजट में 64 मेगापिक्सल का सोनी का भी सेंसर यूज कर सकती थी और फ्रंट में भी इससे बेटर कैमरा दिया जा सकता था, क्योंकि और भी कंपनी इसी प्राइस रेंज में आपको इससे भी बेटर कैमरा प्रोवाइड कर रहे हैं। खैर, आखिरी जो मुझे इसमें कमी लगा, जो कि उम्मीद है आपको भी लगेगा, कि इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, जो कि और भी कंपनी स्पेशली इस पर जरूर ध्यान देती है। स्पेशली इंडिया में भी तो हाइब्रिड सिम स्लॉट उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं यूजर्स। तो ये था मोटो जी 5G से रिलेटेड इसके कुछ कमियां, जो कि आपको इस फ़ोन को लेने से पहले जानना बहुत ज़रूरी था। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें।